Hey friends, welcome to the Tinkas. So today's recipe is this food, which is basically dried fish. This is anchovies. So this recipe you can cook with anything, any form of dry fish, and this just tastes awesome. So for that, take the dry fish, wash and clean them properly, add turmeric, salt, give it a mix, and you are ready to fry them. So meanwhile, I was heating a pan. So this is a kadhai, so isko acche tarah se garam kar lijiye, and then add little oil. Isme hum thoda sa tel denge because we do not want to deep fry the fish. Hum isko sirf halka sa fry karenge, sirf 5 minute tak. Thoda acche tarah se ye oil mix ho jayega. Yeah, and be gentle when you're mixing it because these are dry fish and small and it might get break. So hume todna nahi hai inko aur humko iski khichdi nahi banani hai. Okay, just fry them and then take them off. Fir aap usko nikal ke kisi ek bartan mein rakh lijiye aur usi kadhai mein maine thoda dho ke usme thoda tel add kiya hai, approximately 2 tablespoon to 3 tablespoon. Aur इस दौरान मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट लिए हैं एंड दीज वेजिटेबल्स आर यू नो गोज वेरी वेल विद दिस फिश. सो व्हेन एवर यू आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ फिश, प्लीज ट्राई टू गेट दिस 4 वेजीज विच इज ब्रिंजल, और यहाँ पे ब्रॉड बीन्स है, सेम है, पोटैटोज है एंड झींगा है. तो हमने दो बड़े टेबल स्पून ऑफ लहसुन हमने ऐड करे हैं पहले, और दो छोटे प्याज बारीक कटे हुए हमने इसमें ऐड कर लिया है. तो आप इसको बड़ा मोटा एनी टाइप यू कैन जस्ट कट देम. ऐड सॉल्ट. सो सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा जल्दी पक जाता है. सो सॉल्ट एंड टर्मरिक थोड़ा सा ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे. कुक दिस फॉर 10 मिनट्स. आफ्टर 10 मिनट्स वी विल ऐड 1 टोमेटो स्लाइस्ड रफली. को हम अच्छे से मिक्स करके जब थोड़ा टमाटर थोड़े गल जाए देन वी विल ऐड द वेजीज. तो पहले हम वो वेजी ऐड करेंगे विच इज़ हार्ड. सो दिस सेम इज हार्ड विच इज़ ब्रॉड बीन्स इन इंग्लिश. तो इसको पहले हम ऐड करके थोड़ा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक. इस तरह से हम धीरे धीरे पहले वो वेजीज ऐड करेंगे जो सख्त है ताकि वो पहले पक जाए, बिकॉज इफ यू ऐड द सॉफ्ट वेजीज फर्स्ट देन इट विल बिकम मशी एंड सॉगी. देन वील एड पोटैटोज. सो मैंने क्या किया है, मैंने सारे वेजिटेबल्स एक ही आकार में, एक ही शेप में काटे हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो द शेप ऑफ द एंचोवीज. सो दिस लुक्स गुड. सो इफ यू आर मेकिंग सच और एनी वेजिटेबल विद एनी डिश, इट लुक्स गुड एंड इट लुक्स इवन इफ यू आर कटिंग दम इन द सेम शेप एंड सेम फॉर्म. सो उसके बाद हमने झींगा ऐड कर दिया है, अभी ब्रिंजल ऐड कर रहे हैं, बैंगन. तो जैसे ही थोड़े से पक जाए जस्ट 5 मिनट के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं. मैं थोड़ा पहले ही ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये इसके साथ ही पकता रहेगा. तो क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तो ये आपके स्वाद अनुसार आप जितना चाहे ऐड करें, बट पहले कम ऐड कीजिएगा, फिर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं. हल्दी, टर्मरिक, ये सब अंदाजे से हैं. आपको अगर ज़्यादा हल्दी पसंद है खाने में तो आप ज़्यादा दे सकते हैं. मेरे हल्दी यहाँ पे इजीली पीली पड़ जाती है तो आई एम जस्ट यूजिंग लेस. एंड देन एंचोवीज जो हमने पहले फ्राई करके रखा था, इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए, कवर करके कुक करिए. सो लगभग 5-10 मिनट के बीच आप ज़रा इसको खोल के ज़रा चेक कीजिएगा और हल्का सा इसको हिलाइएगा ताकि नीचे से ना लग जाए. और आप इस दौरान चेक भी कर सकते हैं कि ये पके हैं कि नहीं. तो आप देख सकते हैं ये पका नहीं, थोड़ा सा और पकना है. और हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे यहाँ, जस्ट 1/2 कप ऑफ वाटर, क्योंकि हमको इसका करी नहीं चाहिए. वी जस्ट वॉन्ट राइट टेक्स्चर जो कि थोड़ा सूखा सूखा होता है. तो थोड़ा पानी में ताकि सब्जियाँ और जो ये मछली है, जो ड्राई फिश है, वो अच्छी तरह से पक जाए.
तो जैसे ये हो जाए 10 मिनट के बाद इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर लीजिए। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको नहीं ऐड करने से भी चलेगा, बट दिस गिव्स अ गुड टेस्ट कोरिएंडर लीव्स, सो ट्राई एडिंग देम एंड देन 10 मिनट तक इसको पकाइए अच्छी तरीके से। तो ये धीमी आंच पे पकता है, डू नॉट कुक इन हाई फ्लेम, कुक इन मीडियम टू लो फ्लेम एंड इट्स रेडी टू बी सर्व विद हॉट राइस। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो द फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन।